हेलो एवरीबॉडी, माय सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर और आज आपको कंपनी लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। आज आपको कंपनी लॉ की मैं जनरल बातें बताऊंगी। तो सबसे पहले कंपनी लॉ क्या है वो आपको केवल बताना चाहती हूँ। तो कंपनी लॉ लैटिन के दो वर्ड से मिलकर बना है, कम प्लस पेनिस। कम का मतलब क्या होता है? साथ। और पेनिस का मतलब क्या होता है? रोटी। कम का मतलब साथ और पेनिस का मतलब रोटी। प्राचीन काल में लोग क्या करते थे, व्यापारी लोग अपना खाना साथ साथ खाते थे और खाना खाते खाते अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे। इसका मतलब जब वो खाना खा रहे होते थे, अपना लंच या डिनर कर रहे होते थे, तो क्या करते थे, प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करते थे। उनके पास जो भी प्रॉब्लम्स होती थी, एक दूसरे की प्रॉब्लम को सुनते थे और प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करते थे। और यही व्यापारी आगे चलकर यूनियन बनाने लगे और यही व्यापारी चलकर आगे अपनी ट्रेड यूनियन बनाने लगे और यही यूनियन आगे चलकर कंपनी कहलाया। तो ट्रेड अगर के बारे में आप बात करें, ट्रेड के बारे में बात करें, आप प्रोफेशन के बारे में बात करें, तो आर्टिकल 19(1)(g) में भी लिखा हुआ है कि आप कोई भी प्रोफेशन कर सकते हैं, यूनियन बनाने का आपको राइट दिया हुआ है। अब उसके बाद अगर आप बात करें, एक सबसे पहले एक राइटर की बात करेंगे, पामर की बात करेंगे, उन्होंने क्या डेफिनेशन दी थी, उन्होंने भी यही डेफिनेशन दी थी। कंपनी प्राचीन समय में व्यापारी लोग खाना खाते थे, मर्चेंट्स खाना खाते थे और खाना खाते खाते अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे और यही व्यापारी आगे चलकर क्या करने लगे, यूनियन बनाने लगे और यही यूनियन क्या हो गया, कंपनी में चेंज हो गया। और यहाँ पर खास बात ये होती थी कि ये सारे के सारे व्यापारी क्या करते थे, इसमें अपने ज्वाइंट कैपिटल, सारे के सारे व्यापारी क्या करते थे, अपनी सही पूंजी लगाते थे। मान लीजिए 10 व्यापारी एक साथ अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने चाहते हैं तो सबका ज्वाइंट कैपिटल होता था। सब लोग मान लीजिए क्या करते थे, ये लोग अगर 10 लोग हैं तो 10-10 रुपए 10 लोगों में डिवाइड हो जाते थे, 100 रुपीज अपने पास रख लेते थे। तो इस तरीके से ज्वाइंट कैपिटल सबने अपनी उसमें दी। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी मर्चेंट्स आए सबका ज्वाइंट कैपिटल उसमें शामिल था। अगर दूसरी डेफिनेशन की बात करें जेम्स की, तो डायरेक्टली उन्होंने कहा कि कंपनी लॉ का एक ऑब्जेक्ट होता है। कंपनी लॉ क्या है? कंपनी लॉ ऐसे लोगों का यूनियन है, ऐसे लोगों का संघ है जिनका एक कॉमन ऑब्जेक्ट होता है। कॉमन ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि मान लीजिए 5 लोग हैं तो सबका एक ही ऑब्जेक्ट है, किसी बिजनेस को लेकर आगे इंक्रीज करना और वो प्रॉफिट को आपस में शेयर्स को बांटना। तो ये क्या हो गया, कॉमन ऑब्जेक्ट हो गया। अब बात करें कि कंपनी की करेक्टरिस्टिक क्या होंगी, तो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स लिखे हुए और भी पॉइंट्स डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले कंपनी क्या है, तो सबसे पहले कंपनी क्या होती है, एक लीगल पर्सनालिटी होती है, एक लीगल फिक्शन होती है। अगर शेयर होल्डर्स हट भी जाए तो कंपनी का क्या होगा, कंपनी बनी रहेगी। अब आप कैसे कहेंगे कि कोई लीगल पर्सनालिटी कैसे बनी रहती है, लीगल पर्सनालिटी क्या होती है, तो आपको बता दें कि एक केस डिस्कस करेंगे, सालोमन वर्सेस सालोमन का केस डिस्कस करेंगे। उसमें क्या हुआ, सालोमन एक पर्सन है, उन्होंने कंपनी बनाई और अपनी वाइफ को, अपनी तीनों बेटियों को, अपने बेटों को, सपने सबको कंपनी में कोई ना कोई पोस्ट दे दिया। ये शूज का व्यापार करते थे, बाहर लोगों से पैसा लिया और कहा कि आपको शेयर्स इश्यू कर रहे हैं। बाद में इन्होंने कह दिया कि कंपनी क्या हो गई, इंसॉल्वेंट हो गई है। तो जब कोर्ट में अपील में केसेस आया तो कोर्ट ने कहा इनकॉर्पोरेट द वेल, एक प्रिंसिपल लेट डाउन किया कंपनी लॉ में, पर्दा हटाने का सिद्धांत। जब पर्दा हटा तो क्या पता चला कि ओनली क्या है, सोलोमन वर्सेस सोलोमन, वन मैन कंपनी है, केवल अकेले व्यक्ति की कंपनी है। तो ऐसी स्थिति में कंपनी और उसके शेयर होल्डर्स का क्या होती है, अलग अलग लायबिलिटीज होती है। कंपनी बिल्कुल अलग है, उसका सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है। जो चीज लीगल तरीके से बनाई जाती है, बात को समझिएगा, जो चीज लीगल तरीके से बनाई जाती है वो लीगल तरीके से ही समाप्त होगी। दूसरा पॉइंट आपको डिस्कस करने जा रहे हैं, परपेचुअल सक्सेशन, शाश्वत उत्तराधिकार, कभी भी कंपनी मरेगी नहीं। इसका मतलब क्या है, देखिए एक राइटर आए थे ग्रोवर, उन्होंने एक बात कही, वॉर के टाइम में कंपनी की मीटिंग चल रही थी, वॉर के टाइम में एक कंपनी की मीटिंग चल रही थी, कंपनी के ऊपर बॉम्ब गिराए गए, सारे मेंबर मर गए, फिर भी कंपनी बनी। क्यों? क्योंकि कंपनी लीगल पर्सनालिटी है, कंपनी इस तरह से नहीं मर सकती है, लीगल पर्सनालिटी केवल लीगल तरीके से समाप्त की जाएगी। इसका मतलब कंपनी को अगर समाप्त करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, वाइंडिंग अप। क्या मतलब क्या होता है, परिसमापन। वाइंडिंग अप इज ए प्रोसेस विच एंडिंग द लाइफ ऑफ कंपनी। परिसमापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कंपनी के जीवन का अंत कर दिया जाता है, वरना कंपनी ऐसे समाप्त नहीं होगी, कंपनी हमेशा परपेचुअल सक्सेशन में नॉर्मल स्थितियों में बनी रहेगी। जैसे ग्रोवर का स्टेटमेंट मैंने आपको बताया कि वॉर के टाइम में कंपनी की मीटिंग चल रही है, कंपनी के मेंबर मर गए हैं, फिर भी कंपनी बनी हुई है क्योंकि कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन होता है। थर्ड पॉइंट आपको डिस्कस कर रहे हैं लिमिटेड लायबिलिटी।
जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं सबकी अपनी लिमिटेड लायबिलिटी होती है, जितने भी उनका उनकी लायबिलिटी क्या है, सीमित है। जिसने जहां तक शेयर्स लिए हुए हैं, जितने लोगों ने कैपिटल लगाया उतनी ही लायबिलिटी है, उससे ज्यादा उनकी लायबिलिटी को इंक्रीज नहीं किया जा सकता। पर्सन टू पर्सन हर एक पर्सन की लायबिलिटी यहां पर पहले से ही तय है। नेक्स्ट पार्ट आपको डिस्कस करें कॉमन सील। कॉमन सील देखिए होता है स्टैंप मोहर, हर एक कंपनी की अपनी कॉमन सील होती है, मोहर होती है, और वो जब भी अपने काम को करते हैं, लीगल वर्क को करते हैं, तो कॉमन सील को क्या करते हैं, पेपर पे क्या कर देते हैं स्टैंप कर देते हैं, और पता चल जाता है कि हाँ ये कंपनी है, उसका नाम ये है, और वो इतनी तारीख को फॉर्मेट हुई है, उसमें सब डिटेल वगैरह लिखा रहता है कि कंपनी का कॉमन सील होती है जो बताती है कि कंपनी का नाम क्या है और वो कब बनी थी, ये सब डिटेल उसमें लिखा रहता है। नेक्स्ट वर्ड आपको सू एंड सूड। जो लीगल पर्सनालिटी होती है सबसे बड़ा उसके पास राइट क्या होता है, सू एंड सूड, कि वो भी वहां दाखिल कर सकते हैं और आप भी किसी के ऊपर केस फाइल कर सकते हैं। अब हम कंपनी के ऊपर भी केस फाइल कर सकते हैं, अगर कंपनी ने हमसे कुछ मनी ली हुई है तो हम कंपनी के ऊपर भी फाइल करेंगे, और कंपनी से के ऊपर हम भी फाइल करेंगे, और कंपनी हम पर भी फाइल कर देगी, दोनों ही राइट रहेंगे उसके पास, कि वो बात दाखिल भी कर सकती है और उसके ऊपर भी कोई बात ला सकता है। तो ये आपको करेक्टरिस्टिक याद रखनी कि ये करेक्टरिस्टिक होती है। कंपनी जब भी बनाई जाती है तो हमें टैक्स से छूट भी मिल जाता है, ये भी एक करेक्टरिस्टिक है कि कंपनी बनाते हैं तो टैक्स से हमें गवर्नमेंट से छूट मिल जाती है। अब कंपनी भी दो तरीके की आगे बना सकते हैं, प्राइवेट कंपनी भी होती है और पब्लिक कंपनी भी होती है। आज के टॉपिक में मैंने आपको डिस्कस किया कि कंपनी का मीनिंग क्या है, फिर से सुनिए, कम प्लस पेनिस, कम का मतलब साथ और पेनिस का मतलब रोटी, और उसी में मैंने आपको दो डेफिनेशन डिस्कस की, कंपनी की करेक्टरिस्टिक बताई। नेक्स्ट लेक्चर में आपको कंपनी के बारे में मैं कुछ और बताऊंगी। थैंक्स, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। नेक्स्ट लेक्चर में आप कमेंट करिएगा कि आप क्या और सुनना चाहते हैं, उसके विषय में आपको डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू।